अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एंटरटेनमेंट टीवी। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि तुर्की में एक मस्जिद है, 610 साल पुरानी तारीखी मस्जिद, जिसका नाम जामिया अयूबी है। तो दोस्तों, ये मस्जिद एक ऐसी जगह पर वाकिया है जहां पर तुर्कों ने एक डैम बनाना था, और डर ये था, खदशा ये था कि जब डैम का पानी ऊपर आता तो ये मस्जिद ज़ेरे आब आ जाती। तो दोस्तों, तुर्कों ने किस तरह से इस मस्जिद को हिफाजत के साथ उठाकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया, ये हम आपको दिखाते हैं। और दोस्तों, आपको बताता चलूं कि इस मस्जिद का जो वज़न था वो 4,600 टन था, बहुत भारी मस्जिद थी। तो इसको हिफाजत के साथ उन्होंने उठाकर दूसरी जगह पर मुंतकिल किया। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम आपको दिखाते हैं। तुर्की में ज़ेरे आब आने के खदशे के पेश नज़र कदीम मस्जिद को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। 4,600 टन वजनी तारीखी मस्जिद तुर्की के जिस इलाके में वाकई थी, वहाँ डैम तामीर किया जा रहा है। में दरियाए दजला के करीब वाके 610 साल कदीम एक तारीखी मस्जिद जामे अयूबी भी डैम भरने के बाद जेरे आब आ जाती। इस तारीखी विरसे को बचाने के लिए बहुत गौर खोज के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन इस नतीजे पर पहुंचे कि मस्जिद की पूरी इमारत को पिल्लरों समेत महफूज तरीके से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए। गुज़िश्ता रोज़ इस मंसूबे पर अमल दरामद किया गया। जामे अयूबी को दो व्हीकल कंटेनर्स पर लादा गया। ये सारा काम रोबोट्स के जरिए सर अंजाम दिया गया। बाद अजां इस मस्जिद को तीन हिस्सों में तकसीम करके 2017 में तामीर होने वाले पार्क हिस्म कीफा न्यू कल्चरल पार्क फील्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। खाना खुदा से मोहब्बत करने वाले तुर्कों ने यह अनोखा कारनामा सर अंजाम देकर अपनी सुनहरी तारीख को जिंदा कर दिया। गुज़िश्ता रोज जामे मस्जिद अयूबी की मुंतकली का काम मुकम्मल कर लिया गया है। मस्जिद की इमारत को तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। मरकजी हाल, जिसका वजन तकरीबन 2500 टन था, उसे एक साथ बुनियादों समेत उठाकर ड्यू हेकल कंटेनर्स पर लादा गया, जबकि मीनार और बेरोनी इहाते को दो अलग अलग कंटेनर्स पर लादा गया था। इन हिस्सों का मजमुई वजन 2300 टन था। इस मकसद के लिए 352 पहियों वाले ड्यू हेकल कंटेनर्स लाए गए थे। पहले इमारत की चारों जानब गहरी खुदाई करके उसे जड़ों तक खाली कर दिया गया। फिर 610 बरस कदीम इस इमारत को टूट फूट से बचाने के लिए छत और दीवारों को अंदर और बाहर से सहारा देकर महफूज बनाया गया। फिर हैवी मशीनरी के जरिए इसे बुनियादों समेत कंटेनर्स पर रखा गया। ये काम चूंकि इंतहाई पावरफुल रोबोट्स ने सर अंजाम दिया, इसलिए मस्जिद की कदीम इमारत मुकम्मल तौर पर महफूज रही। तकरीबन 2 घंटे बाद मस्जिद को मजकूरा पार्क पहुँचा दिया गया। ये पार्क मस्जिद की पुरानी जगह से 1 मील के फासले पर वाकई है। मतलूबा मकाम पर पहुंचाने के बाद भी रोबोट्स ने नपे तुले अंदाज में मस्जिद की इमारत को कंटेनर से उठाकर नीचे रखकर तीनों हिस्सों को जमीन पर जमा दिया। इस अजीब गरीब मंजर को देखने के लिए सहाफियों समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, जबकि ड्रोन तैयारों के जरिए इसकी अक्सबंदी भी की जा रही थी। इससे कबल हिस्न कीफा की कई तारीखी अशिया को इस कल्चरल पार्क मुंतकिल किया जा चुका है। ताहम आलमी मीडिया ने तारीखी मस्जिद की द्योहेकर इमारत की मुंतकली को अनोखा इकदाम करार देकर इसकी भरपूर तशहीर की है। तो जी दोस्तों, आपने देखा कि इस्लाम से प्यार करने वालों के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।